दोस्तों आज हम एक ऐसे काउंटर के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आपको इस वक्त पैनी प्राइस में है, लेकिन ये फ्यूचर का राफेल जेट बन सकता है। और इस वक्त अगर ये जो बॉटम फिशिंग का, जो जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बॉटम फिशिंग का बेहतरीन समय आप सभी के पास है इस वक्त, ऐसे बहुत सारे काउंटर्स हैं जो कि अपने बॉटम फॉर्मेशन पे हैं, अपने बॉटम को क्रिएट कर रहे हैं, बट फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया हैं और इस काउंटर के फंडामेंटल भी बहुत शानदार है। ये एक एग्रोकेमिकल सेक्टर का काउंटर है और जैसे कि हमने रैलिस इंडिया के बारे में बात किया था प्रीवियस वीडियो में, पेस्टिसाइड्स एंड एग्रोकेमिकल का सेम सेक्टर का ये स्टॉक है और इसका नाम है मेघमानी ऑर्गेनिक्स। ये काउंटर हमने पहले भी आप सभी के साथ डिस्कस किया हुआ है, बट एट प्रेजेंट ये काउंटर बहुत ही बढ़िया लेवल पर है, अपने बॉटम पर है। इसका अगर मार्केट कैपिटल आप देखेंगे तो 1464 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, 57.6 के रेट पे इस वक्त ये प्राइस ट्रेड कर रहा है और इसका जो सेल्स टर्नओवर है वो 1238 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट जो है वो इस काउंटर का नेट प्रॉफिट इस काउंटर का लगभग 76 करोड़ था 2018 का अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2018 के अगर प्रॉफिट की बात करेंगे तो जो नेट प्रॉफिट था वो लगभग 76.93 करोड़ था। बट सबसे खूबसूरत बात यह है इस काउंटर की कि इस काउंटर ने केवल दो क्वार्टर्स में ही 2019 FY के केवल अभी दो क्वार्टर्स आए हैं, जून क्वार्टर सितंबर क्वार्टर, उसमें ही जो रिवेन्यू है वो 100 करोड़ को क्रॉस कर दिया और प्रीवियस प्रॉफिट जो कि 76 करोड़ का था उसको क्रॉस करते हुए 116 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने अभी तक डिक्लेयर किया हुआ है। आप समझ सकते हैं कि 50 करोड़ के आसपास का 40-45 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट ऑलरेडी राइज कर चुका है दो ही क्वार्टर्स में पूरे फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले पिछले साल के, और अभी दो क्वार्टर्स स्टिल शेष हैं। मुझे लगता है कि ये कंपनी लगभग 150 करोड़ से भी ऊपर के प्रॉफिट इस साल FY19 में डिक्लेयर कर सकती है। खैर लेट्स सी कितना प्रॉफिट डिक्लेयर करेगी, वो तो देखने वाली बात है, दबाव है फिलहाल कुछ समय से केमिकल सेक्टर में क्रूड के प्राइसेस की वजह से, तो हो सकता है दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स में भी कुछ इम्पैक्ट आ जाए, बट मार्च तक हमें उम्मीद है कि जो मार्च फाइनेंशियल के नंबर आएंगे वो काफ़ी बेहतर होंगे एज़ कम्पेयर टू दी मार्च 2018। तो यहाँ पर हम लोग कंपनी को कुछ बेसिक ब्रीफ्स बता देते हैं आपको। मेघमानी ऑर्गेनिक्स ये आपको एक वक्त 57.50 पर अवेलेबल है। यहाँ से इसका जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा वो लगभग 55, 50 और 56 रुपीज़ का रहने वाला है। अगर 55 के नीचे की क्लोथिंग आती है तो आपको जो बेस्ट प्राइस मिलेगा खरीदने का वो रहेगा 50 रुपीज़, बट मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है 56 के नीचे क्लोजिंग देने का और ये इस वक्त अपने बॉटम फॉर्मेशन के समय है, लगभग अपने बॉटम पर है और 57.40 पर ट्रेड करता हुआ। हर डिप पर इस काउंटर के अंदर जो भी आपकी कैपेसिटी है 100, 50, 200 शेयर्स खरीदने की, इसको खरीदते रहिए, होल्ड कीजिए, ये आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा। एंड इसका जो BSE का कोड है 532865, NSE का कोड MEGH, सेक्टर पेस्टिसाइड्स एंड एग्रोकेमिकल। और इसके अलावा अगर इसके मार्केट कैपिटल मैंने आपको बताया दिए, पी बहुत ही लो पी पर ट्रेड कर रहा है काउंटर, केवल 6.8 की पी पे ये काउंटर ट्रेड कर रहा है जबकि इंडस्ट्री की पी 38.75 है, यानी कि अभी लगभग 7 times इंक्रीज होने की पूरी पोटेंशियल है इस काउंटर के अंदर। EPS 8.34 का है, प्राइस टू बुक 1.34, काफ़ी फेयर वैल्यू पर ये काउंटर इस वक्त अवेलेबल है और इसकी फेस वैल्यू 1 है। अभी अगर डिलीवरेबल्स की बात करेंगे तो लगभग 39% और 40% के आसपास का डिलीवरेबल्स है इस काउंटर के अंदर। साथ ही शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी हम आते हैं इस काउंटर में, और लगभग आप देखेंगे 50% प्रमोटर्स के पास है और कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। इसके अलावा 3% के आसपास क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास है, 33% इंडिविजुअल्स के पास है और लगभग 13% एनी अदर्स के पास है। साथ ही अगर हम लोग फाइनेंशियल्स में आते हैं और कंपनी का डेट देखते हैं तो कंपनी का डेट ओवरऑल काफ़ी तेज़ी से कंपनी अपने डेट को रिड्यूस भी कर रही है, डेट इक्विटी रेशियो भी काफ़ी लो है, 0.5 के नीचे डेट इक्विटी रेशियो है और लगभग 375 करोड़ के आसपास का कंपनी को डेट है जबकि जो नेटवर्थ है वो 697 करोड़ के आसपास है और रिजर्व जो है वो 672 करोड़ के है। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट भी 233 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट है, कैश एंड बैंक बैलेंस 1.88 है एंड प्रोविजंस 5.0 है। बुक वैल्यू 27.43 की बुक वैल्यू है इस स्टॉक की। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं मार्च जो भी हाफली रिजल्ट्स हैं उसके बारे में, तो आप देखेंगे लगभग 663 करोड़ की सेल्स रही है सितंबर हाफली में 18 में, जबकि सितंबर 17 की जो हाफली थी उसमें 650 करोड़ की थी। बट अगर प्रॉफिट्स की बात करेंगे तो प्रॉफिट शानदार रहे हैं, जहाँ पर PBT 76 करोड़ का था
सितंबर 17 की हाफ अर्ली में वही अब पीबीटी 147 करोड़ के आसपास हो गया, यानी कि जस्ट डबल। हालांकि एक्सेप्शनल आइटम्स भी इंक्लूडेड हो गए 60 करोड़ के आसपास, बट अगर हम एक्सेप्शनल आइटम्स को निकाल देते हैं और अदर इनकम को निकाल देते हैं तब भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 86 करोड़ यानी 6 करोड़ प्रीवियस हाफ अर्ली से ज़्यादा रहा है रिजल्ट। ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स शानदार हैं, आप इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं। साथ ही डिटेल में अगर आपको जानना है कंपनी के बारे में तो हमारा जो प्रीवियस वीडियो है बिग मनी ऑर्गेनिक्स का, आप उसको देख सकते हैं, उसको रेफर कर सकते हैं, उसमें आपको इन डिटेल कंपनी के बिजनेस के बारे में, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में मिल जाएगा और आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर meghmani.com इसकी कंपनी की वेबसाइट है, वेब पोर्टल है, जिस पे जाके आप इनके प्रोडक्ट्स के बारे में, इनके बिजनेस के बारे में कम्प्लीटली डीपली एनालाइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं मेघमानी ऑर्गेनिक्स। सो ये यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट्स को भी एक बार लाइमलाइट देख लेते हैं। पिगमेंट और पेस्टिसाइड्स वगैरह बनाते हैं, और पिगमेंट में स्पेशली जो पिगमेंट सेगमेंट होता है, पिगमेंट में आपको अगर पता होगा कि एक और काउंटर हमने आपको सजेस्ट किया था फिनोटेक्स केमिकल्स, वो भी पिगमेंट सेगमेंट का है। तो पिगमेंट जो बनाती हैं कंपनीज, उनके लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो बेसिकली क्रूड होता है, रॉक जो रॉ मटेरियल होता है वो कच्चा तेल होता है। और रॉ मटेरियल के अलावा चूँकि हमने जैसा कि देखा कि क्रूड के दाम काफ़ी हाई थे पिछले क्वार्टर के अंदर, रुपी काफ़ी डिप्रिशिएट हो चुका था, तो कहीं ना कहीं उसके चलते इस काउंटर में भी जो दबाव हमें देखने को मिल रहा है वो आगे चल कर धीरे धीरे, चूँकि क्रूड लगभग $60 के आसपास आ चुका है, काफ़ी करेक्ट हो चुका है, लगभग $20 नीचे आ चुका है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, तो अपकमिंग डेज में इस काउंटर के अंदर हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। एक बार बॉटम कंप्लीट हो जाए उसके बाद जब रिवर्सल आएगा तो काफ़ी अच्छा रिवर्सल इसमें देखने को मिलेगा। हम लोग यहाँ पर टेक्निकली भी आपको बता देते हैं 5740, और आप देख सकते हैं ये हमारे पास वीकली चार्ट है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल इन द वीकली चार्ट 56.16, दिस इज़ द वीकली सपोर्ट लेवल, और ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट के आसपास इस वक्त ये आ चुका है। RSI भी अगर हम देखेंगे तो 30 के आसपास है, यानी कि डेली चार्ट में तो ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन में काउंटर ट्रेड कर रहा है, और यहाँ से ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड करते हुए यहाँ से अगर ये बॉटम में रिवर्सल देता है तो आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, एक अच्छा मौका मिलेगा काउंटर में अच्छा मुनाफा कमाने का। जो इसका हाई था वो इसका हाई लगभग 120 रुपीज़ का, तो उम्मीद करता हूँ अगले 12 से 18 महीने में काउंटर अपना हाई अगेन टच करेगा और पॉसिबिलिटीज है वहाँ पर डबल टॉप का फॉर्मेशन करेगा, जहाँ पर आप टेक प्रॉफिट कर सकते हैं नेक्स्ट 18 मंथ के अंदर। सो दोस्तों ये हमने बात की भविष्य के राफेल जेट के बारे में, जो कि आज आपको पैनी प्राइस में मिल रहा है, अभी मौका है खरीदिएगा, हर डिप पर आप कुछ कुछ क्वांटिटीज को खरीदते रहे बिकॉज द स्टॉक इज फॉलिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द मार्केट। इसका जो रीज़न है वो कोई फंडामेंटल रीजन नहीं है, केवल मार्केट सेंटीमेंट्स की वजह से फॉल हो रहा है, एंड जो क्रूड के दाम है वो बढ़ रहा है उसकी वजह से फॉलिंग है, रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से फॉल हो रहा है, रेस्ट फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस कंपनी का बहुत शानदार है। हर गिरावट पे आप खरीदिएगा और आपका पैसा लगभग लगभग दोगुना बहुत आसानी से हो जाएगा अगले 12 से 18 महीने में। सो नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मिलेंगे हम लोग कुछ और बॉटम फिशिंग काउंटर्स के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियोस को। साथ ही अगर आप लोग पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंपॉर्टेंट चीज़ बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन समय रहते मिल जाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।